वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, फाइनली साइलेंट स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म यानी कि पुष्पा का पहला टीजर आ चुका है। और टीजर जो आया है ना, धमाकेदार है। धमाकेदार क्या है, खतरनाक टीजर आया है। चाहे बात करें अल्लू अर्जुन के डेडली लुक की, डेडली लुक तो पहले से ही चर्चे में है। पोस्टर जब से आया था तभी से चर्चे में आ गया था, पर इस टीजर में उनके लुक के साथ साथ जो विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है और जिस हिसाब का एक्शन देखने को मिलता है, वो इस टीजर को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टीजर के बारे में। आखिरकार इस टीजर में क्या क्या दिखाने की कोशिश की गई है और ओवरऑल ये टीजर हमें कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करें इस टीजर की, तो टीजर की शुरुआत होती है यहां पर इस फ्रेम के साथ, जहां पर अल्लू अर्जुन हमें कुल्हाड़ी से कुछ काटते हुए नजर आते हैं, जहां पर उनके इर्द-गिर्द उन्हीं के कुछ साथी खड़े हैं। और इस फ्रेम को अगर आप ध्यान में रखते हो तो इस फ्रेम के कुछ सेकंड के बाद एक और फ्रेम हमें यहां पे देखने को मिलता है, जहां पर पेड़ों से लाल चंदन की जो लकड़ियां हैं वो गिरती हुई नजर आती हैं और अल्लू अर्जुन की उसी दौरान एंट्री हो रही है। तो इन दोनों फ्रेम्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो यहां पर हो सकता है कि जो चंदन की लकड़ियां हैं रस्सियों के द्वारा पेड़ों पे बांधी गई हैं और उन सभी रस्सियों का कनेक्शन एक मेन रस्सी के साथ किया होगा, जहां पर अल्लू अर्जुन इस फ्रेम में उस मेन रस्सी को काटते हैं और उसके बाद उनकी एंट्री होती है। और सच बता रहा हूं, लकड़ियों के गिरने के साथ साथ जो एंट्री ली गई है, जो शॉट लिया गया है ना, कमाल का शॉट है। पर यहां तक भी अल्लू अर्जुन को पूरी तरह से उनके लुक को रिवील नहीं किया जाता है, उनका लुक रिवील होता है इस फ्रेम में। जी हाँ, ये जो फ्रेम था इस टीजर का, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेम था। अल्लू अर्जुन डेडली लुक, आंखों में गुस्सा, बाइक पे सवार, पानी के अंदर, कमाल की एंट्री। मतलब अगर आप इस सीन में केवल उनकी आंखों पर देखोगे ना, तो दिखेगा कि उस कैरेक्टर में क्या इंटेंसिटी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। और उस पूरे टीजर को देखकर एक चीज कह सकते हैं कि फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले वगैरह कैसे भी कुछ भी हो सकता है, वो तो रिलीज होने पर पता चलेगा, पर अल्लू अर्जुन एज एन एक्टर इस फिल्म में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। पूरी तरह से टीजर में नजर आ रहा है कि उनका जो एक स्टाइलिश स्टार वाला जो स्टारडम है ना, उसे कहीं ना कहीं साइड पे रखकर उनके कैरेक्टर को यहां पे लिखा गया है, जो कि काफी हद तक यहां पे टीजर में नजर आ रहा है। चाहे बात करें लुक्स की, चाहे बात कर ले एक्शन सीक्वेंसेस की, हर एक चीज में हमें अल्लू अर्जुन कहीं पे नजर नहीं आता है, हमें यहां पर पुष्पा राज नजर आ रहा है। तो देखने में काफी मजा आ रहा है। और अब इस टीजर के बाद इस फिल्म को लेकर जो उम्मीदें हैं ना, और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के बाद जो और दो चीजें हैं इस टीजर में काफी ज्यादा इंप्रेस करती हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करें वो है सिनेमेटोग्राफी। जी हाँ, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तो कमाल की थी और बहुत ही सरप्राइजिंग थी, क्योंकि टीजर में जिस हिसाब के विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, वो सही में नेक्स्ट लेवल के हैं। एक एक शॉट, एक एक फ्रेम जो भी इस टीजर में डाला गया है ना, कमाल तरीके से शूट किया गया है। साथ ही साथ जो एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं ना, वो भी बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली जिस सीन में यहाँ पे अल्लू अर्जुन के चेहरे को ढका हुआ है, वो दौड़ रहे हैं, उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वो जो शॉट, वो जो सीन है ना कहीं इस फिल्म में आग लगाने वाला है। और इसी सीन के दौरान जो एक्शन हमें देखने को मिलता है, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, मुंह भी ढका हुआ है, तो एक्शन जो है यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इसके अलावा अगर आप अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हो, अगर आप इस पुष्पा राज के कैरेक्टर के अंदर एक वो स्टाइल देखना चाहते हो ना, तो वो आपको एक फ्रेम में नजर आएगा। ये जो फ्रेम यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पर लकड़ी को फेंकते हुए वो ट्रक पे चढ़ते हैं, कमाल का सीन यहाँ पे डाला गया है इस टीजर के अंदर। और कहना चाहूंगा इस फिल्म में ऐसे काफी सीन आने वाले हैं जहां पर ऑडियंस जो है ना, सीटियां तालियां बजाकर पागल होने वाली है। तो ऑडियंस जो है अपना ध्यान रखकर जाइएगा। इसके अलावा अगर बात करें टीजर में, तो यहां पर डीएसपी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक यहां पे सुनने को मिल रहा है, वो भी काफी डिफरेंट है। जी हाँ, आप में से काफी लोग बोलोगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक जमा नहीं, पर मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक काफी पसंद आया, क्योंकि यहां पर ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो पुष्पा राज के कैरेक्टर को काफी हद तक मैच करता है। उसका जो कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं जंगल, झाड़ियों, नेचर, चंदन की लकड़ियां, जो लोग हैं उसके आसपास, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है उसकी दुनिया। तो उस पूरे एनवायरमेंट को अगर आप ध्यान में रखते हुए इस बैकग्राउंड म्यूजिक को देखोगे ना, तो ये बीजीएम बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है और टीजर में भी काफी दमदार नजर आता है। साथ ही साथ टीजर में रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही है सिर्फ एक फ्रेम में। इसके अलावा फहद फासिल का कोई भी सीन यहां पर नहीं है। जाहिर सी बात है, अभी थोड़े दिन पहले ही उनके लिए अनाउंसमेंट की गई है, तो हो सकता है कि उनके जो सीन्स हैं अभी तक शूट नहीं किए होंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई टीजर या फिर ट्रेलर वगैरह आता है, या फिर हो सकता है कि उनके लिए एक अलग सा ही टीजर निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर हैं, तो वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो टीजर था स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पुष्पा राज को इंट्रोड्यूस करने के लिए था। और मैं तो कहूंगा जो इंट्रोडक्शन हुआ है ना, धमाकेदार हुआ है। और पूरे टीजर
टीजर में सिर्फ एक ही वर्ड सुनने को मिलता है, तग्य दिले। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो वर्ड है आप सभी को पता है कि ये वर्ड कोई आज नहीं आया है, अल्लू अर्जुन ने काफी पहले ही इस वर्ड को बोल दिया था, जिसके बाद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं इस टीजर में हमें सुनने को मिलने वाला है। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रुकना नहीं, मतलब रुकना नहीं, झुकना नहीं, इसी हिसाब का इसका मतलब होता है। तो ये जो वर्ड है यहां पर इस टीजर में सुनने को मिलता है, जो कि एक आइकॉनिक वर्ड होने वाला है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद। तो और कहूं तो टीजर जो है सही में बहुत ही बढ़िया कट किया है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया हुआ है, और अल्लू अर्जुन कहीं ना कहीं इस फिल्म में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन इस टीजर को लेकर। आपने इस टीजर को अब तक कितनी बार देखा है और आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।